देखिए, सबसे पहले तो फिल्म से पहले मैं अपने बैनर के बारे में बात करूंगा, फिल्म के बारे में बाद में बताता हूं मैं आपको। भाई, हमारी कंपनी का नाम है सांगानी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स, जिसमें मैं और मेरे भाई, हम दोनों पार्टनर हैं। मेरा नाम हरेश सांगानी और मेरे भाई का नाम धर्मेश सांगानी है। वो अभी ज़रा आउट ऑफ इंडिया है, ज़रा बिजनेस के काम से बाहर गए हुए हैं। और हम लोग ने प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की है, जिसमें ये फर्स्ट हमारा गाना आज रिकॉर्ड होने जा रहा है। बिकॉज ऑफ कुछ हमारे कुछ ऐसे कमिटमेंट्स है कि जिसमें हम लोग अभी फिल्म के बारे में ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। अभी हमने ये फिल्म फिल्म के बारे में थोड़ा सा ये बता सकता हूँ कि एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। एक यूथ को पसंद आएगी, फैमिली जा कर के भी फिल्म देख सकती है। जितने भी हमारे मास ऑडियंस के लिए हम ये फिल्म प्लान कर रहे हैं, और आज उसका एक गाना रिकॉर्ड हो रहा है। अभी जो गाने की रिकॉर्डिंग चल रही है, इसी फिल्म की चल रही है, जिसमें अमन त्रिखा जी अपना वॉइस दे रहे हैं एज ए सिंगर, और प्रवीण भारद्वाज जो है हमारे फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर है। और हमारे फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो है अमित कसारिया जी, और हमारे फिल्म के जो को प्रोड्यूसर है वो है श्री सतीश बावेस्कर जी। तो ये एक हमारी एक टीम है, यहाँ से हमारी शुरुआत हुई है। सर, क्या सब्जेक्ट बताने की सब्जेक्ट लव स्टोरी है, और कास्टिंग कर चुके हैं, थोड़ा कोई पॉपुलर फिल्म रहेगा कि नहीं? हाँ, इसमें डेफिनेटली जो कास्टिंग है वो फेमस, मतलब पॉपुलर कास्टिंग है, फेस वैल्यू कास्टिंग है ना, इसमें फेस वैल्यू भी कास्टिंग है। और दूसरा ये है कि मार्केट के ही सारे लोग हैं, और जो भी कास्टिंग के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको समझ लीजिए ना कि थोड़े दिनों के अंदर ही वापस एक प्रेस मीट करेंगे, और उसके अंदर सारी चीज़ें हम लोग डिस्क्लोज करेंगे कि हमारी फिल्म का टाइटल क्या है, हमारी कास्टिंग क्या है, कास्टिंग हमारी लॉक हो चुकी है, हम साइनिंग अमाउंट दे चुके हैं, सब कुछ हमारा लॉक है, एवरीथिंग इज़ लॉक। इवन कहीं टेंटेटिव हमारे बिजनेस भी कहीं ना कहीं लॉक हुए हैं टेंटेटिवली, बट ये सारी चीज़ों के लिए एक वक्त है। हो सकता है मैं आपको 15-20 दिन के अंदर ही वापस एक हम प्रेस मीट करेंगे, और उसके अंदर ये सारी चीज़ों के मैं खुलासे करूंगा, हर चीज़ आपको डिस्क्लोज करके बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें हमारी लाइनअप हो रही है। टाइटल हमने 3-4 रजिस्टर्ड किए हैं, उसमें से अभी तक हमें कोई रिप्लाई नहीं आया है। जैसे ही हमें रिप्लाई आ जाएगा, हमारी कन्फर्मेशन आ जाएगी, तो हम लोग टाइटल भी जल्दी हम सामने रिवील कर देंगे। शूटिंग हम लोग प्लान कर रहे हैं, समझ लीजिए लगभग जून जुलाई में शूट प्लान हो रही है, और 50 दिन का शेड्यूल है, जिसमें 10 दिन हम लोग मुंबई करेंगे, 20 दिन हमारा यूपी साइड में प्लानिंग है काम करने का, और 20 दिन हमारा हो सकता है हम लोग लंदन भी जा रहे हैं काम करने। ये थिएट्रिकल, OTT, सैटेलाइट, हर जगह रिलीज होगी। अभी हाल फिलहाल तो मैं आपको हमारे प्रोडक्शन हाउस और इस प्रोजेक्ट के बारे में इतना ही बता पाऊंगा, ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली मैं आपको समझ लीजिए विद इन 15 डेज वापस एक हम प्रेस मीट करेंगे, उसमें हमारे कास्टिंग भी होगी, पूरा हमारा कास्टिंग क्रू होगा, और उसके साथ में हम आपको वापस एक प्रेस मीट करेंगे, और वहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास दो और प्रोजेक्ट है, वो इससे भी बड़े प्रोजेक्ट हैं जो लाइनअप हो चुके हैं। हमारा टारगेट ये है कि हर साल में एक फिल्म हम दें, एक फिल्म ऐसी दें, अच्छी फिल्म दें, जिसमें एक क्वालिटी वर्क हो, लोगों को अच्छा लगे। हमारा प्रयास तो यही होगा कि हम अच्छे से अच्छी चीज़ लोगों के सामने लेके आ सकें। ओके, बहुत ही डिफरेंट तरीके से आज के ज़माने की स्टोरी हम बताने जा रहे हैं, तो यही कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा सॉन्ग रिकॉर्डिंग का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज जिस सॉन्ग को हमने किया है वो बहुत ही लार्जर देन लाइफ, बहुत बहुत बड़े लेवल पे है, और उसका जो पिच स्केल था बहुत हाई स्केल पे था, और हमारे सिंगर अमन ने बहुत ही अमेजिंग गाना गाया है, एंड आई एम सो हैप्पी विद द आउटपुट। और मुझे पूरा यकीन है जब आपके सामने आएगा, इवन मेरी पुरानी फिल्मों के गाने हमेशा सबको पसंद आए हैं, मेरी फर्स्ट फिल्म के सॉन्ग्स बहुत अच्छे हिट रहे हैं, सेकंड फिल्म का म्यूज़िक भी बहुत अच्छा रहा, और ये थर्ड फिल्म है मेरी, और आई एम 100% श्योर इसके गाने बहुत अच्छी तरह से पसंद आने वाले लोगों को, क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल पे हैं, और जिस धीरे धीरे हर किसी मेकर का स्केल छोटे से थोड़ा बड़ा, उसके बाद और बड़ा होता है, तो आई थिंक ये आपको डिफरेंस पता चलेगा।
और आज का जो गाना था कौन से सिचुएशन में आएगा, और अगर थोड़ा सा बताइए स्टोरी से कितना स्टोरी मैं सॉरी नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज ये बहुत ही अभी इसको सीक्रेट रखना चाहता हूँ, बट ये एक स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू एक हमारे आर्टिस्ट हमारे हीरो हैं जो गुजर रहे हैं लाइफ में, हर कोई एक फेज में आता है जहाँ पर हमको आंसर नहीं मिलते हमारी परेशानियों के, लेकिन फिर जब हमको कहीं से आंसर नहीं मिलते तो ऊपर वाला भगवान हमको कुछ हेल्प करता है, तो हीरो भी हमारा स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू मतलब जाते हैं और उनको काफ़ी अपने सवालों के जवाब मिलते हैं, और उसी समय ये गाना आता है जो गणपति बापा के ऊपर है। कितने गाने होंगे? 5 songs, there will be 5 songs, all the songs apart from this song will be all romantic, and there will be one dance song and all love songs, you will find every kind of song in this film, and musical film बनाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरी दोनों फिल्म पहले ही बताया कि उसका म्यूजिक बहुत अच्छा था, मेरी फर्स्ट फिल्म का जो म्यूजिक इश्क की माँ की गाना था मीका ने गाया था, वो साल का सबसे बड़ा हिट गाना था 2013 में आया था, तो 10 साल हो चुके हैं, और लास्ट फिल्म में जुबिन नौटियाल ने भी मेरी 2021 में मेरी फिल्म में गाना गाया था, उसके गाने सबने बहुत पसंद किए थे। जी जैसे आपने कहा कि म्यूजिकल फिल्म होने वाली है, और कौन से सिंगर जुड़ने वाले हैं? मैं नाम अभी देना नहीं चाहूँगा बिकॉज अभी ये जर्नी है, देखिए मैं चाहता हूँ कि हम कम बोलें और ज़्यादा उसका एक्शन ज़्यादा हो, लेट एक्शन स्पीक, और सारे ही सिंगर्स आएंगे, सभी बड़े जिनको भी आप सोच सकते हैं वो सभी अवेलेबल होंगे, बिकॉज वो डिपेंड करेगा गाना किस तरह का डिपेंड करेगा, ट्रीटमेंट क्या देना चाहते हैं। भाई सबसे पहले आज का जो गाना था उसके बारे में सबसे पहले बताइए कि किस तरह का गाना है और कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरी टीम के साथ? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, प्रवीण भाई के साथ तो मेरी रीत चली आ रही है कि मुहूर्त सॉन्ग होता है कोई भी मूवी का प्रोजेक्ट का, तो वो मुझे ही याद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, और भाई हैं अपने, और आज का सॉन्ग बहुत स्पेशल था क्योंकि बहुत एक स्पिरिचुअल सॉन्ग है, गणपति बप्पा के नाम से हमने शुरू किया है ये जो प्रोजेक्ट है, और बस गणपति बप्पा की आरती हो रही है, उनका गुणगान हो रहा है, तो यही ऊपर वाले से गणपति बप्पा से गणेश जी से यही प्रार्थना है कि जो संगानी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स जो हमारे हरीश संगानी जी हैं उनके बैनर तले ये मूवी बन रही है, और अमित कसारिया जी हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उनकी तीसरी फिल्म है, और मेरा सौभाग्य कि मुझे इन सब बड़े लोगों के साथ काम करने को मिला, तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी का, और बहुत मज़ा आया, गाना बहुत विशाल गाना है, गणपति बप्पा का जितना एक औहदा है, जितनी एक हमारे दिलों में उनकी जगह है, हमारी आस्था है, जितनी बड़ी आस्था है उतना ही बड़ा गाना है, तो आप जब सुनेंगे तो आप यादगार गाना है कि ज़िंदगी भर याद रहेगा वो गाना, छाप छोड़ के। सर क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो अमन के साथ इतनी जोड़ी हिट हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे जोड़ी के बारे में बताइए और गाने के बारे में अगर थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं। मेरे जो मुहूर्त सॉन्ग रहते हैं वो ज़्यादातर अमन के साथ ही होते हैं, कोई भी फिल्म स्टार्ट होती है, हरेश भाई प्रोड्यूसर से ज़्यादा मेरे भाई हैं, हम लोगों के बहुत अच्छे और फैमिली रिलेशन है, तो उन्होंने संगानी ब्रदर्स करके अपना बैनर स्टार्ट किया, तो एक दिन डिस्कस हुआ तो गणपति बप्पा का नाम लेके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया है, डायरेक्टर साहब के साथ बैठे, डायरेक्टर साहब का इनपुट लिया, हमने एक गाना तैयार हुआ, मुहूर्त गाना था तो अमन का नाम ध्यान में आया, हमने डिस्कस किया कि अमन से गवाएंगे, यहाँ से भी सहमति मिल गई, आज हमने जो गाना किया है वो हमारी लगभग 10-15 दिन की मेहनत है, लेकिन जो रिजल्ट आया है शायद मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम के बाद हमने लगभग 100 इंस्ट्रूमेंट लाइव डब किए हैं, कम से कम हम 3 दिन से यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस स्टूडियो में, और कम से कम हमने लगभग 100 इंस्ट्रूमेंट हमने डब किए हैं लाइव, और एक गाने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा जब गाना आएगा। सर आपसे जानना चाहूँगा नया बैनर है क्या, मोटो है इस बैनर का, अगर उस बारे में बताएं, और अमन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस? सबसे पहली बात तो ये है कि बैनर नया है लेकिन मैं पुराना हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, मेरी कंपनी चलती है तृप्ति एंटरटेनमेंट जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में है, पिछले 12 साल से मैं कॉर्पोरेट बिजनेस में हूँ और लगभग मैंने 128 फिल्में रिलीज़ करी है, तो डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से एक नया मैंने बिजनेस शुरू किया, दैट इज़ अ प्रोडक्शन हाउस, ये प्रोडक्शन हाउस के ज़रिए हम अच्छी फिल्में देंगे, अच्छे मैसेज देंगे, अच्छी कहानी देंगे, एक फैमिली ओरिएंटेड एंटरटेनमेंट सर्व करेंगे,
कि जिसमें लोग एक होता है ना, कोई एक स्ट्रेस होती है हर एक के लाइफ के अंदर, एक स्ट्रेस होती है, वो कम से कम हमारी 2 घंटे की फिल्म देखे तो एटलीस्ट वो स्ट्रेस फ्री हो जाए और एक रिफ्रेश होकर के थिएटर से बाहर निकले और चीज़ों को अप्रिशिएट करे। तो ये एक फिल्म का हमने काम शुरू किया है, लगभग हमारा ऐसा प्लानिंग है कि हर साल हम लोग एक फिल्म देंगे और इसके अंदर हमारी एक टीम जुड़ गई। मतलब मैंने एक थोड़ा सा साहस किया कि मैं भी प्रोड्यूसर, मैंने सोचा कि मैं एज ए प्रोडक्शन हाउस शुरू करूं, तो इसमें मैं और मेरा भाई, हम दोनों हैं। मेरा भाई का नाम है धर्मेश संगानी, वो अभी US में है, अपने बिजनेस ट्रिप पे है, और मैं यहाँ पर हूँ तो आप सब लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ। लेकिन जैसे प्रवीण भाई हमारी एक फैमिली है, प्रवीण भाई के साथ भी एक अच्छा रिश्ता है। फिर अपना सतीश भाई है, सतीश भाई के साथ में भी ही इज़ अ को प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म एंड इज दिस बैनर, सतीश भाई, तो इनके साथ भी बहुत पुराना रिश्ता है। अमित भाई भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो एक सर्कल आपका अच्छा बन गया। तो मैंने सोचा कि जब आपका सर्कल अच्छा है तो डेफिनेटली हम कुछ अच्छा और बढ़िया काम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत ही एक अच्छा, मतलब हम लोग तो देख रहे हैं, लेकिन जो प्रवीण भाई ने जो मेहनत करी है, हमारे डायरेक्टर साहब है प्रवीण भाई है, और प्रवीण भाई को मैं दिल से धन्यवाद बोलता हूँ कि प्रवीण भाई ने वाकई में एक इस तरह से मुझे सपोर्ट किया है कि भाई अगर कल को ये बैनर नहीं सक्सेसफुल है तो डेफिनेटली एक सपोर्ट, एक पिलर तो प्रवीण भाई डेफिनेटली रहेंगे कि जिनको मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। होता है ना कि भाई इनिशियल स्टेज पे जो आपका साथ देना वही आपका सही साथी होता है। तो जैसे अमन भाई आज इतने बड़े सिंगर हैं, तो जब मैं इनसे मिला ना तो पता नहीं, मैं एक्टरों से बहुत, मतलब मैंने बहुत सारी फिल्में, मैंने सलमान की फिल्म रिलीज़ करी, शाहरुख की फिल्म रिलीज़ करी, कई लोगों की फिल्में रिलीज़ करी है, लेकिन आज तक कभी एक्टर से साथ कभी इंटरेक्ट नहीं हुआ हूँ। बड़े बड़े एक्टरों की फिल्में रिलीज़ करी है मैंने, पार्टियों में भी गया हूँ, लेकिन कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये फर्स्ट इंटरेक्शन मेरा अमन भाई के साथ में था एज ए सेलिब्रिटी, तो मुझे लगा कि पता नहीं यार इतना बड़ा सिंगर है एटीट्यूड में होंगे, पता नहीं क्या मूड में होंगे, लेकिन जब इनसे मिला तो ऐसा लग रहा था कि अमन भाई को आज से नहीं 5 साल से जानता हूँ। तो इनका भी बहुत अच्छा, मतलब इनका इतना बड़कपन है कि इन्होंने अपनी तरफ से जो चीज़ें दी, जो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर तो वो मांग ही रहे कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से जो चीज़ें दी ना वो भी तारीफ के काबिल है। वाकई में अप्रिशिएट करता हूँ कि अमन भाई इज़ वेरी 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 हार्ड कोर वर्किंग मैन, बहुत मेहनत करते हैं, जान लगा देते हैं काम के ऊपर। तो अमन भाई मैं मीडिया के सामने आपका और प्रवीण भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट से आज हमारी जो हमारे प्रोडक्शन हाउस है उसकी एक अच्छी नींव रखी गई है। और सबसे बढ़िया कि ये अमित भाई हमारे साथ में है, प्रवीण भाई साथ में है, अमन भाई साथ में है, सतीश भाई साथ में है, इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आगे हम सक्सेस हो पाएंगे। और आप सब मीडिया वालों का साथ रहेगा, आप लोगों की दुआ रहेगी, तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। बस हम आपसे जानना चाहूँगा, पूरा आपका विजन है क्या, ब्रीफ था प्रवीण सर को और अमन को कि क्या, मतलब क्या गाना चाहिए, क्योंकि गणपति का सॉन्ग पहले भी हम गणपति के सॉन्ग सुन चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए स्पिरिचुअल सॉन्ग, भगवान के सॉन्ग ऑलमोस्ट जो उनकी वेवलेंथ होती है वो एक ही जगह से आ रही होती है, उसमें बहुत कुछ नया नहीं कर सकते। बट रिगार्डिंग फिल्म, ये बहुत फिल्म का एक ऐसी मोमेंट पे सॉन्ग आता है जहाँ हीरो है एक बड़े डिसाइसिव मोड से गुजर रहे हैं, उनको एक स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हैं, और उनको एक ज़िंदगी में हर एक इंसान एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जहाँ वो फंस जाता है, उसे आंसर्स नहीं मिलते, तो ऊपर वाला खुद उसको एक जवाब देता है अपने तरफ से, अपनी भाषा में। वो जवाब बोल के नहीं हो सकता है, वो कोडेड मैसेज इन्फॉर्मेशन और जस्ट एक वेवलेंथ शेयरिंग होती है, तो वो बहुत क्रूशल पार्ट है फिल्म का जहाँ पर ये सॉन्ग आता है। और मुझे एक गाने को लार्जर देन लाइफ चाहिए था, मैं नॉर्मल गाना नहीं रखना चाहता था, मुझे लगता था समथिंग बिगर और ऐसा कुछ की जो नॉर्मल ना हो। तो मुझे लगता है कि इसकी जो ग्रैंडनेस है वो इसकी जो बताया प्रवीण जी ने, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं, लाइव इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं, इतने बड़े स्केल में यूज़ हुए हैं, दैट मेक्स दिस सॉन्ग वेरी वेरी बिग एंड स्पेशल। बिकॉज ऐसे मैं बोलूँगा उससे कुछ उसका जवाब नहीं होगा, मे बी आपको लगेगा दिस इज जस्ट अनदर आंसर, जस्ट अनदर सॉन्ग, बट जब आप व्हेन यू विल एक्चुअली हियर इट यू विल फाइंड द डिफरेंस, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन दिस सॉन्ग क्वालिटी, द वे वी हैव गिवन द ट्रीटमेंट, और जिस सिचुएशन में जब आता है फिल्म वो तो उसको 4 चांद लगाएगा, एंड आई एम 100% श्योर कि आप लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। प्रवीण सर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कह रहे हैं सर कि आपको जो है सोलफुल गानों के लिए जाना जाता है, और सर ने जैसे बताया लार्जर देन लाइफ बनाना था और एक स्पिरिचुअल जर्नी दिखानी थी, क्या क्या ब्रीफ था, किस तरह का डिस्कशन हुआ था, अगर उस बारे में कुछ बताया? ब्रीफ ये था कि
हम लोगों का डिस्कशन हुआ, हम लोग सेटिंग कर रहे थे हरीश भाई और डायरेक्टर साहब, तो हमें ऐसा गाना चाहिए था उसका ग्रैंडर बहुत बड़ा हो, कैनवास बहुत बड़ा हो, मतलब थिएटर में लोग उससे जुड़ जाएं। और जब बड़ा एक कैनवास चाहिए होता है तो बड़ी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, तो उसके लिए थैंक यू हरीश भाई ने वो रिक्वायरमेंट्स पूरी की। फिर उस गाने को आप चार प्रोग्रामर के संग बैठ के नहीं बना सकते, उस गाने को आप एक छोटे स्टूडियो में नहीं बना सकते, उस गाने के लिए बहुत परफेक्ट टीम होनी चाहिए। तो उसके लिए मेरे अरेंजर, मेरे जो असिस्टेंट हैं, मेरी जो टीम है म्यूज़िक की, मेरे इंजीनियर अब्दुल भाई, उन सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया है कि ये लोग शायद तीन दिन से सोए भी नहीं, हम 7 बजे सुबह स्टूडियो में थे। तो वो जो ग्रैंडर जो डायरेक्टर साहब के मन में था, अरे मुझे लगता है शायद मैं फुलफिल कर पाया हूँ कि वो जो करना था, कि आज के टाइम पे इतने शायद लाइव इंस्ट्रूमेंट डब नहीं होते हैं, लेकिन हमने जो किया है वो शायद आपको जब ये गाना बाहर आएगा तो आप लोग अप्रिशिएट करेंगे कि आज के दौर में हम ऐसा म्यूज़िक लेके आ रहे हैं, इस तरह से सॉन्ग लेके। सर क्या कहना चाहेंगे, इतनी जो है लाजवाब टीम है, एज अ फुल प्रोड्यूसर क्या कहना चाहेंगे सर इस जो नया एक फिल्म आ रहा है, जो नए गाने आ रहे हैं? हम नए मैं फिल्म इंडस्ट्री में 35 साल से एसोसिएट हूँ, और सारे ए ग्रेड की फिल्में की, अमिताभ बच्चन से लेके आमिर खान तक, सुनील दर्शन, धर्मेश दर्शन के पास 16 साल प्रोडक्शन किया हूँ, हमारे एक ही है। तो एक एक कड़ी जुड़ती गई और कारवा बनते गया, वो जो कारवा है ना, कारवा के इंजन हम है, बाकी बोगी के साथ में हम आ रहे तो प्रेस मीडिया के सामने सेकेंड इसमें, तो इंजन है संगानी ब्रदर्स इंजन है, उनके पीछे पूरे डायरेक्टर साहब हैं, सिंगर साहब है, म्यूजिक डायरेक्टर है, सारे बोगी दिखेंगे। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अपने बहुत जल्दी आ रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री से मैं भी 25 साल से रिलेटेड हूँ, सारे ए ग्रेड की फिल्में की। थैंक यू। मैं एक छोटा सा बात बोलना चाहूँगा, बट मैंने जो प्रवीण जी को मैं स्पेशली बोलूँगा थैंक यू, और वो इन्होंने मेरा काफ़ी सारी चीज़ें टॉलरेट की हैं, क्योंकि मेरे को गाने से लेके मेरी बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट थी, शायद से मैं बहुत परेशान करता हूँ। नहीं, ये बात आपकी मैं भी बोलने वाला था कि आप डायरेक्टर का म्यूजिकली इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है गाने को और उस साउंड ट्रैक के, उस म्यूजिक के साउंड, मूवी के साउंड ट्रैक का सक्सेसफुल होने के पीछे वो हाथ होता है। डायरेक्टर का म्यूजिकल विजन बहुत, म्यूजिकल होना बहुत ज़रूरी है। एक नॉन म्यूजिकल डायरेक्टर का म्यूजिक कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, आप देखिए। तो डायरेक्टर का जितना इन्वॉल्वमेंट, इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनका फीडबैक जो आज रिकॉर्डिंग में मुझे मिला, इनसे ज़्यादा इनका फीडबैक मिल रहा था, तो मुझे लगा यार मतलब बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छा जानते हैं, और तभी क्योंकि फिर मज़ा भी और आता है। फिर आप एज एन आर्टिस्ट, एज ए सिंगर, आप जब माइक पे होते हो तो 400 चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट पूछ सकते हो, ये आपको चाहिए कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि वो फिर वो खुलती रहती है चीज़ें, और जितना खुलता है, जितना आप अंदर तह तक जाते हो, उतना गाने में जो है वो और निखार आता है। सॉरी नहीं नहीं बिल्कुल, इन्होंने एक्चुअली मेरे को कॉपी पेस्ट करना है जो भी इन्होंने बोला, वो सेम वैसे ही है, केवल फ़र्क ये है कि देखो मैं जैसे बोला, मेरी फर्स्ट फिल्म का म्यूज़िक मैंने खुद दिया था, जो मीका ने गाया था, एंड वो मेंशन भी किया था उसको इश्की माँ के 2013 में। इनफैक्ट इस फिल्म इंडस्ट्री में गाली लाना वाला गाने में मैं ही हूँ वो बंदा जिसका पहला गाना इतना कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ था, मेरा गाना ही बैन हो गया। फिर समा हमने रिलीज़ किया और फिल्म को बहुत अच्छा गाने को रिस्पॉन्स किया, और उस साल का सबसे बड़ा हिट गाने में से है, आप ही चेक कर सकते हैं। बट आई वॉन्टेड टू बी इन्वॉल्व इन म्यूज़िक, बट नॉट इन अ वे ऑफ म्यूज़िक डायरेक्टर, मैं हूँ भी नहीं, बट मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए बहुत लोग को गुस्सा आता होगा, तो मैं इसलिए उनके सामने बोल रहा हूँ। बट मेरे लिए कितना टफ काम है म्यूजिक डायरेक्टर के संग म्यूजिक कि प्रवीण भाई ने इतना हैवी इतना हैवी म्यूजिक दिया है कि शायद हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है यहाँ थी, तो अब यहाँ चली गई, हमारा बजट बढ़ रहा है, अब बजट बढ़ रहा है गाने को लेकर, बजट हिला दिया। और सबसे अहम बात जो मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी वो मैं अभी बता रहा हूँ आप सब मीडिया के सामने, इस चीज़ को प्लीज़ एक नोट कीजिएगा कि ये प्रोडक्शन हाउस की जो शुरुआत है उसको जो मैं स्पेशल थैंक्स बोलता हूँ, वो मेरे छोटा भाई है जिसका नाम धर्मेश सांगानी है, उसने मुझे इतना एनकरेज किया कि आज हम दोनों भाई ने मिल करके ये प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत कर दी। तो आज जो भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, जो भी एक टीम क्रिएट हुई है, जो भी एक ऑरा क्रिएट हुआ है, जो भी एक प्रोजेक्ट जनरेट हुआ है, दैट्स ऑल क्रेडिट्स गोज़ टू माय यंगर ब्रदर धर्मेश सांगानी। एंड रियली धर्मेश, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू टू एनकरेज मी एंड बीइंग अ सपोर्ट एंड वेरी स्ट्रांग पिलर,
टू द एंटायर प्रोडक्शन हाउस एंड टू द एंटायर टीम. थैंक यू धर्मेश, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंटायर थिंग. आई विल शो यू. ये आज वो US में है. तो दिस इज माई ब्रदर धर्मेश, ये मेरा भाई है. एंड वो अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसका फोटो इसलिए दिखाया ताकि मुझे लगे कि मेरा भाई मेरे साथ में ही है. मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, सच में ये बात मैं कहना चाहूँगा, अभी आप लोगों ने इनको फेस नहीं किया है. वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक प्रोड्यूसर आने वाले इस फिल्म इंडस्ट्री में. मैं इनसे बातचीत कर चुका हूँ और मैं नेक्स्ट लेवल पर पहुँच गया था. जो इनकी विजन था वो आपको मैं इनको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी धर्मेश जी को थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने मेरे को कभी ये नहीं बोला, ये नहीं वो बोले, कर तुझे जो करना है. और आप लोगों को आने वाले साल में अगर सब कुछ, मतलब मैं ऊपर वाले में बड़ी बात नहीं बोलना चाहूँगा, तो आई एम श्योर इनका जो डिफरेंस है वो पता चलेगा. इट्स वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक पर्सन आई हैव एवर कम अक्रॉस. तो थैंक्स टू धर्मेश जी.